हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कंटेंट आपको फोटोशॉप के बारे में बता रहा था, उसी ने आपको बताने जा रहा हूं। मतलब हमारे पास कोई भी फोटो है, ठीक है, मान लो हमारे पास ये फोटोग्राफ है, इसे हमें क्या करना है, किसी भी सिंगल कलर इफेक्ट देना, मतलब किस जैसा देखिए हमारा एक ही कलर से फोटो बना हुआ है, वो हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है सिंगल कलर इफेक्ट इन फोटोशॉप, वो कैसे कर सकते हैं ईजी वे में। ऐसे आप एडवांस लेवल में तो उसे करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन ईजी वे में सबसे जल्दी कैसे कर सकते हैं वही आपको बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज ले रखी। देखो ये हमारी एक इमेज है जो हमारी क्या है RGB में। देखो इमेज मोड RGB, हमारा जो कलर मोड चेक करने का यही होता है RGB, अगर डिजिटल से होता है RGB, प्रिंट के लिए CMYK। अब हमें क्या करना है, जैसे आप इस इमेज को हमने क्या है सिंगल कलर टोन में कर रखा है, देखने में लग रहा है सिंगल कलर है। तो आप कैसे करेंगे उसके लिए, आप सिंपली क्या करना है आपको, या तो लेयर में हो, जैसे हमने F7 प्रेस किया और लेयर में देख रहे हैं हमारी ये इमेज है, या तो लेयर में है उस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिंगल इमेज है तो अलग से, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसके अलग, सबसे पहले क्या लेयर पे क्लिक होना चाहिए, इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ देखिए आपको दिखेगा ब्लैक एंड वाइट। ये क्या है, आपका सिंगल कलर कन्वर्ट तभी होगा जब ये ब्लैक एंड वाइट के थ्रू करता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिक एक इमेज को क्या करता है ब्लैक एंड वाइट में सबसे पहले कन्वर्ट करता है। हमारे इमेज में जो भी कलर है कलर को निकाल देने, सेचुरेशन को निकाल देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमें टिंट, ये टिंट का चेकबॉक्स इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट जो टिंट का कलर है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। देखिए हटाता हूँ अभी ग्रेस्केल, जैसे इस पर क्लिक किया अप्लाई हो गया। अब जो भी कलर चेंज करना है सिंगल कलर, इस पर क्लिक करें और आपको यहाँ पर जो कलर अच्छा लगे उस पर आप क्लिक करते जाएँ। अब वो जो भी अच्छा लगे, इधर से आपको रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है इस पर आप क्लिक कर दें और ओके कर दें। आपका देखिए यहाँ से हो गया, और बाकी आपको ह्यू सेचुरेशन यहाँ से एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ से देखिए, आपको इस तरफ राइट की तरफ जाना है तो आपका कलर देखिए यहाँ चेंज होते जाएगा आपको इजीली, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इस तरफ का कलर, जो जो कलर आ रहा है आपके सामने उससे आपका वो कलर निकालते जाएगा। और सेचुरेशन जो कलर होती है, इस तरफ जाएंगे कलर ज़्यादा होगी, और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आपको देखिए कलर कम होते जाएगी, यानी कि व्हाइट की तरफ कलर कम होते जाएगी, और राइट की तरफ ग्रीन की तरफ जाएंगे तो हमारी कलर ये बढ़ते जाएगी। इस तरह से आप क्या है सेचुरेशन राइट करके कलर बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट करके कलर कम कर सकते हैं। और यहाँ से आप ह्यू में जाके, ह्यू मतलब होता है कलर, कलर में जाकर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी कलर के पास जाएगा उस कलर में ये इजीली चेंज हो जाएगी इस तरह से। और बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं ये वाली, ये चीज़ें डिटेल में है जो आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। या हमें ये बात को बस इतना बताता है ईजिली हम किसी इमेज को सिंगल कलर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। बाकी कलर आपको जो भी चेंज करना है यहाँ पर क्लिक करके आप ईजिली आप कलर को जो भी करना है आप यहाँ से ईजिली आप करके ओके कर दें। इस तरह आपका किसी इमेज को ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया किसी इमेज के साथ। अगर मान लो हम किसी से इसमें अप्लाई करना है, अभी अभी हमने क्या है यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है अप्लाई करना है। ये इमेज हमारा क्या है यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं देखिए अंडू कर दिया और इस इमेज को उठा के मैं उस वाली फाइल में ले जाता हूँ जिस फाइल हमारी वर्किंग फाइल है। मान ली ये हमारी वर्किंग फाइल है, इसमें हमने लगा दिया। इसमें तुम्हारे क्या है मल्टीपल लेयर्स हैं, तो हमने वहाँ क्या किया था एक ही था तो हमने करके दिखा दिया। अब यहाँ मल्टीपल, इसमें क्या करना है आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है, इमेज में एडजस्टमेंट ब्लैक एंड वाइट, जैसे ही करेंगे आपका ये देखिए ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपको टिंट में क्लिक करना है और यहाँ कलर पे क्लिक करके आपको जो भी कलर चाहिए उस कलर पे आप क्लिक कर दें, वो देखिए उस कलर में आपको इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी होता है हमारा मान लो किसी एक कलर में हम डिजाइन को दिखा रहे हैं डुआ टोन में और हमारे इमेज कलर तो जा नहीं सकता, अच्छा नहीं लगेगा वो, तो उस तरह हम क्या कर सकते हैं, आप जैसे हमारा पीछे का बैकग्राउंड ब्लू है उससे मैच करने के लिए हमने क्या किया इमेज को ब्लू के टोन में कर दिया, तो इससे हमारा अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लेयर में काम कर रहे हैं तो उस लेयर पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं सिंगल कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अपना सिंगल अलग से इमेज है तो उसको भी इजीली आप वहाँ पर जाके एडजस्टमेंट में जाके ब्लैक एंड वाइट करके आप इजीली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं आपको जो भी कलर चाहिए। ये आप मतलब सबसे ईजी वे आप कर सकते हैं, मतलब क्या मैक्सिमम आप 10 सेकंड में इस चीज़ को किसी भी इमेज को आप क्या है सिंगल कलर टोन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास, हम किसी भी इमेज को सिंगल कलर टोन में इजीली हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास हमारा अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।